बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास 3। टुडे आवर टॉपिक इज़ वंडरफुल पाकिस्तान। एज़ यू नो द सिलेबस हैज़ बीन कम्प्लीटेड, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द रिवीजन एंड दिस चैप्टर इज़ done in the second term and it's included in the final term also. So let's revise. इसमें क्या बताया गया है वंडरफुल पाकिस्तान में कि आदम और रूमी जो है बहुत खुश थे, बट रूमी आदम के चचा चची अपने बच्चों रूमी और रिदा के साथ दुबई में रहते थे। पिछले 2 सालों से वो पाकिस्तान नहीं आए थे। खुशी के लम्हात जल्द आ गए। एबटाबाद में वाकई एजाज साहब और बेगम एजाज के घर में बहुत आला माहौल था। वो सब अगली सुबह के लिए मनसूबाबंदी कर रहे थे। अच्छा, इनके चचा चची जो थे वो दुबई से पाकिस्तान आ रहे थे और उनको यहाँ पर एबटाबाद में उनको घूमना फिरना था। ठीक है, सूरज चमक रहा था और जब वो जीप से मुजफ़्फ़राबाद के लिए रवाना हुए, ये सयाहों के लिए बेस कैंप के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने मुजफ़्फ़राबाद के बहते दरियाओं से मछलियां पकड़ने में बहुत लुत्फ़ उठाया। उनका अगला मंसूबा नथिया गली का था। ये देखो, मैं तस्वीरें बनाने के लिए अपना डिजिटल कैमरा भी लाया हूँ, रूमी ने कहा, जो कि पहाड़ी इलाके से बहुत मुतासर था। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। वंडरफुल पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो हमारा बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं और बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ठीक है, तो उसके बारे में ही इन्होंने बताया कि इनके रिश्तेदार जो थे वो चचा चची और उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान घूमने आए दुबई से और उनको इन्होंने पाकिस्तान की सैर कराई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका समरी थी आपके चैप्टर की। तो अब आप हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो comprehension focus, fill in the blanks with the correct options. ठीक है, options आपको दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको निकालने हैं। Adam's family live in dash, वो कहाँ रहते थे? एबटाबाद। मुजफ़्फ़राबाद is called base camp, base camp किसको कहते थे? मुजफ़्फ़राबाद को। Raza brought a digital camera to capture pictures. ठीक है, दे ऑल वेंट बोटिंग हाइकिंग एंड फिशिंग। द मीनिंग ऑफ ठंडाई इज कोल्ड। नाउ पेज नंबर 61, एक्सरसाइज नंबर 2, यूज द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। हिल स्टेशन, आपको इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं एक एक आपको हर उसका बता देती हूँ। आई वॉन्ट टू विजिट हिल स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। स्केटिंग, सारा लाइक्स स्केटिंग। कंट्री, दे विल प्लान टू स्टडी टुगेदर। कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। गॉड गिफ्टेड, She has a God-gifted talent of writing. अच्छा, ये जो आपको हैंडआउट मैंने दिया है ना, इसमें जो सेंटेंसेस हैं उसके अलावा भी आपको एक एक सेंटेंस, मतलब हर वर्ड के 2 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए आप फोनिक्स फोकस। रीड द गिवन साउंड अलाउड एंड मेक मोर वर्ड्स। इनके ये आपको पढ़ना है, कॉट, बॉट, हीयर, ईयर, इन्हीं जैसे और आपको बनाने। सॉट, कॉट, बॉट,
फाउट थॉट बियर हियर ईयर डियर टीयर, ठीक है। और ये वोकेबलरी फोकस है, वर्ड्स मीनिंग है, ये आपने यकीनन किए हुए हैं और इनको आपने रिवाइज करना है, ठीक है, और इसको याद करना है। सो इधर कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, व्हाट आर द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जो इसमें किसी आम शख्स चीज़ जगह का नाम हो और वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, और प्रॉपर नाउन वो जो किसी खास ख़ास इंसान जगह चीज़ का नाम हो और वो कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रीड द गिवन डेफिनेशंस एंड राइट कॉमन और प्रॉपर नाउन फॉर ईच पिक्चर। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ कॉमन नाउन, इट इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ कॉमन पर्सन एन एनिमल अ प्लेस और अ थिंग, जो किसी भी आम शख्स चीज़ जगह का नाम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल कैट चेयर पेंसिल रूम एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल प्लेसेस नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लामा इकबाल लाहौर K2। अच्छा, डेज़ ऑफ द वीक भी और जो है वो डेज एंड मंथ्स जो है वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर्स दी गई हैं, उनको देख के आपको उसके आगे लिखना है कि आया ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। या संडे, संडे प्रॉपर नाउन, एंड दिस इज़ बादशाही मॉस्क प्रॉपर नाउन, कैमरा इज़ कॉमन, हाउस इज़ कॉमन एंड बैग इज़ ऑल्सो कॉमन नाउन। सो राइटिंग फोकस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब आपको टीचर ने लिखवाई है, आपकी जो टीचर इंग्लिश की हैं उन्होंने शायद आपको वर्ब की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखवाई होगी। इसमें आपको पास्ट टेंस के की फॉर्म लिखनी है, ठीक है। We use the simple past tense whenever we want to talk about the past. For example, yesterday I played cricket, I ate food. ठीक है, simple past tense में हम क्या करते हैं, simple past tense कब use करते हैं, जब पिछला ज़माना जो गुजर चुका है उसके बारे में कोई हम बात कर रहे हैं। जैसे कि yesterday I played cricket, यानी कि कल मैंने जो कल गुजर गई जब मैंने क्रिकेट खेला था, तो I played, ed लग जाएगा, ठीक है, प्ले के साथ ed आ जाएगा। ओके, एडम टॉक टू हिज कज़न ऑन स्काई। अब ये यहाँ पे टॉक आएगा या टॉक्ड आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे टॉक्ड आ जाएगा। एडम टॉक टू हिज कज़न ऑन स्काई। ऑल द गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन पोएम रेसिटेशन ऑन द लास्ट डे, एवरी वन फेल्ट हैप्पी, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14th August, ठीक है। नंबर टू, पेज नंबर 63, राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट एनी हिल स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फ्यू सेंटेंसेस अबाउट एनी हिल स्टेशन, मरी हो गया, स्कर्दू हो गया, या कोई भी आपने जो भी जहाँ का भी हिल स्टेशन का विज़िट किया है उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस आप बताएंगे कि आपने वहाँ क्या देखा, किस तरह से घूमे फिरे, कहाँ क्या 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 चीज़ें देखी आपने, उसके बारे में आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। बच्चों अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लीजिए, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।